लिए वैसी लड़की ढूंढी है यार, हमारा रिश्ता फिक्स हो चुका है। क्या? अभी मैं मम्मी से ही तो बात कर रहा था कॉल पे, उन्होंने ही मुझे बोला कि पार्क में लड़की बैठी हुई होगी इसी तरीके से ब्लैक, उसमें हाँ रिश्ता फिक्स हो गया क्या? हाँ मम्मी आवाज आ रही है? हाँ मैं पहुंच तो गया हूँ, हाँ पहुंच गया हूँ मैं, मुझे एक लड़की दिख तो रही है। मम्मी सच्ची मम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हाँ मैं पहुंच गया हूँ मम्मी। मम्मी ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पता मुझे पहले ही पता था कि आप मेरे लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की सर्च करोगे। हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मम्मी, जैसी सोची थी ना सेम वैसी है। हाँ नहीं कॉल पे बात कर रही है अभी किसी से ना, शायद शर्मा रही होगी थोड़ा सा, बहुत प्यारी है मम्मी। मैं अभी बात करता हूँ आपसे ना, मुझे पता है दिस इज फर्स्ट टाइम, थोड़ा होता है क्या मतलब फर्स्ट टाइम वी हैव मीट ना, तो होता है थोड़ा सा। कौन मिल रहा है? हम मिल रहे हैं ना, हम मिल रहे हैं। आई एम यश यार, मैं नहीं जानती किसी यश को। मुझे लगता है आपको कुछ पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता? सच में नहीं पता? क्या नहीं पता यार? मजाक कर रहे हो ना आप? आई लाइक योर एटीट्यूड यार, सीरियसली। What attitude, what मजाक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप यहाँ पे आके एकदम से खड़े हो गए एंड यार आवाज कितनी प्यारी है, पता है मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं बस कितना खुश हूँ ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स यार, बस मैं अब नर्वस हो गया हूँ, पूरी तरह बौखला उठा है मेरा रोम चित्र मन अंदर से, मतलब ना खुशी से फूला नहीं समझ। एक सेकंड, मैं आपको नहीं जानती यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता यार, पता मैंने ऐसे ही सोचा था, मैंने कहा जो हो ना वो नोटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब जो नोटी सच में बहुत ज्यादा नोटी हो यार अब तो। क्या नोटी? मतलब मैं यही सोच रहा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम सामने जाऊँ ना उसका रिएक्शन ऐसा वाला ही हो जैसा तुम्हारे फेस पे आ रहा है ना, सेम यही। अरे मैं आपको जानती नहीं, आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे आके? देखो मजाक मत करो। व्हाट मजाक? मैं मजाक के मूड में नहीं बैठी हूँ। मैं बुरा लगा क्या आपको? मतलब अच्छा नहीं लग रहा क्या? बुरा लगने की बात नहीं, मैं आपको जानती नहीं, आप आके ऐसे बात कर रहे हो मेरे से। नहीं यार एक्चुअली तुम्हें सच में बिल्कुल भी नहीं पता कुछ भी यार, तुम मुझे ना सरप्राइज करना चाहती हो तो इसीलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या सरप्राइज? या मजाक कर रहे हो ना आप? मजाक कर रही हो ना पक्का? क्या मजाक? ये मैं बताऊं, ये तुम एक मिनट, आप रियल में हो ना? मतलब ऐसी पता है ऐसी खूबसूरत लड़की ना मैंने सिर्फ सपनों में देखी थी, और मैंने मम्मी को बोला था और सेम उन्होंने ना मेरे लिए वैसी लड़की ढूंढी है यार, हमारा रिश्ता फिक्स हो चुका है। क्या? अभी मैं मम्मी से ही तो बात कर रहा था कॉल पे, उन्होंने ही मुझे बोला कि पार्क में लड़की बैठी हुई होगी इसी तरीके से ब्लैक, उसमें हाँ रिश्ता फिक्स हो गया। क्या रिश्ता? मतलब हम दोनों की शादी होने वाली है यार। हाँ देखा आप, तुम सच अब तुम्हें लगा ना पकड़ी गई ना, अब पकड़ी गई ना। हाँ यार अभी भी मजाक कर रही हो और क्या, तुम्हारी और मेरी मम्मी ना आपस में दोस्त है तो उन्होंने ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना फिक्स कर दिया है। हाँ एक सेकंड, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी दोस्त है, हमारा रिश्ता, हम दोनों की शादी होगी ना तो उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया हमारा। मुझे नहीं पता ये चल क्या रहा है, बट सीरियसली यार देखो एक बात बताओ, मैं आपसे आगे ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? मुझे मेरी मम्मी ने तो बताया है कि पार्क में जाइयो ऐसे करके, वहाँ पे लड़की बैठी हुई है। अच्छा। और बात कर लियो। अच्छा अब मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? इतनी हिम्मत थोड़ी ना है, मुँह से देख लो, मैं इतना हरामी लग रहा हूँ कि मैं किसी भी लड़की से ऐसे जाके बात कर लूंगा? नहीं हो सकता ना। बताओ यार, देखो अब मुझे लग रहा है कि या तो देखो तुम, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हूँ तो मेरे मुंह पे मना कर दो यार। हाँ? मैं अगर पसंद नहीं आ रहा हूँ मेरे मुंह पे कर दो, अगर मैं बुरा लग रहा हूँ तो। बट कुछ लोगों की शक्ल, लोगों का दिल देखना चाहिए तो मेरी शक्ल बुरी है इसका मतलब? हाँ अरे वाह यार इतनी बेइज्जती, कोई बात नहीं यार मैं इसे चेंज भी कर लूंगा।
चेंज कर लोगे क्या, दूसरी शक्ल ले आओगे? नहीं नहीं, मतलब कुछ अगर लाओगे तो शाहरुख खान की लाना। यार वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बट रोमांस मेरे दिल के अंदर है, बेशक मेरे मुंह से ना दिखता हो। बट एक बात बताऊं, तुम्हें देख के तो मैं सब भूल चुका हूँ, सब कुछ, मतलब खुद खो गया हूँ यार। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की चूज करेंगी मम्मी मेरे लिए। अच्छा, इतनी खूबसूरत क्यों है यार? तुमने वो देखी है कैरेबियन और पायरेट्स? उसमें एक बहुत खूबसूरत सी ना लुटेरी लड़की है। अच्छा। वो अपनी आंखों से और स्माइल से सबको लूट लेती है। आई थिंक तुम उसी में से हो। हाँ, वो जैक स्पैरो भी उसी की आंखों के चक्कर में पागल हो जाता है। एक बार दिखाना जरा आप, यार सच में वैसी हो आप। कहाँ से लेके आए हो इतनी क्यूटनेस? कहाँ से? फुल ओवरलोडेड। नहीं भगवान की। बट यार ऐसे कर क्यों रहते हैं आप? क्या कैसे कर रही थी? ये ड्रामा क्यों कर रही थी कि मुझे पहचान नहीं रहे हो? नहीं, मैं सच्ची में नहीं जानती आप। यार देखो तुम अभी भी कर रहे हो यहाँ पे, फिर किस लिए आई थी? अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने फोटो वोटो तो भेजी होगी ना तुम्हें कि कौन सी लड़की है एंड ऑल दैट? हाँ मुझे भेजी थी, तो देखो कौन सी लड़की यार है? वो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि अगले साथ क्या अगले, मतलब भगवान मुझे अगले जन्म में अगर कुत्ता बनाए तो मुझे साथ में आप चाहिए, शेर बनाए तो भी आप चाहिए, छिपकली बनाए तो भी आप चाहिए, मतलब हर जन्म में, सात जन्म के बाद की जो जिंदगी है ना उनके बाद में भी मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए अपने साथ में हमेशा। अच्छा, इतना पसंद, मतलब इतनी तरह से फिट हो गए आप मेरे दिल में। मेरे दिल में तुम फिट हुए वो तो पूछो वहाँ की नहीं। यार वो तो मैं कर लूंगा ना। अच्छा, धीरे धीरे तुम मुझे जगह दे दो। हाँ, I like your attitude ना, मैंने बताया ना कि मुझे ऐसी ही बंदी चाहिए थी अपनी जिंदगी में जो शुरू शुरू में ना दिखाए अपने आप को कि हाँ मैं सकता हूँ। बट आई नो यार अंदर ना तुम्हारे दिल में, अपने दिल में ना कुछ पैदा होने लगा है, वरना अभी तक तो तुम उठ के चली जाती यार। उठ के चली जाती बट गई नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें भेजा गया है ना यहाँ सिर्फ मेरे लिए, भगवान ने भी और मम्मी ने भी। सीरियसली आई डोंट। वेल और क्या करते हो आज? क्या करते हो? मैं क्या करती हूँ? हाँ मैं सीए का अभी कर रही हूँ कोर्स। अच्छा, तो कितने लोग मर गए इंस्टीट्यूट में तुम्हारी स्माइल से, ये बताओ मुझे। देखो शादी के बाद ना ऐसे नहीं चलेगा, लोगों को मारोगे नहीं तुम, मैं तो पैक करके रखूंगा कि मतलब कोई देख ना ले या नजर ना लगे। नहीं ना, छुपा के रखूंगा यार अपने जैकेट में, आशिकी वाले उसमें ना यार, ताकि कोई देख ना ले, इसलिए। स्मेल बहुत प्यारी है, मतलब मैं सोचता था कि अगर मतलब कितना भी थका हुआ हो ना और मेरी वाइफ की स्माइल ऐसी हो ना कि उसका चेहरा देखते हुए एकदम सारी थकान उतर जाए। यू हैव दैट स्माइल। ओके, बट मैं तुम्हारी वाइफ बन रही हूँ या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यार मैंने तो अभी बना लिया, अभी तक भी मैं नहीं जानती कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं यार देखो, जो हुआ है वो माँ बाप ने डिसाइड किया है, एक होती है ना ये नियति थी, यही डेस्टिनी है। पहले आप फोटो देखो कौन सी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिसाइड किया है हमारे माँ बाप। नहीं यार मैं तो चाहता ही नहीं, मेरे को दिखा दो कि मैं ही हूँ कि कोई और है। एक मिनट यार, वो बोल भी रही थी मैं फोटो ही भेज दूंगी। देखो यार, शिट व्हाट यार, ये आप नहीं हो। आई एम सो सॉरी। मैं तो वैसे क्या बोल रही थी, बट यार आई एम सो सॉरी यार, बट यार ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, देखना ये मेरे पे मैच करेगी नहीं करेगी यार ये। बट तुम्हारी मॉम ने जो डिसाइड करी तुम उसको देखो ना जाके। नहीं यार मैं कैन आई क्लिक योर पिक्चर, मैं अपनी मम्मी को भेज दूं प्लीज यार। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, जस्ट वेट। बताओ, दिखाई देता हूं क्या हो गया, तुम्हें भेजी हुई है? ही इज द वन, आई एम एंगेज्ड विद हिम एंड ही इज माय फियांसे, तो सॉरी आई एम कमिटेड ऑलरेडी, मेरा रिश्ता ऑलरेडी मतलब हो चुका है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो भगवान भी नहीं चाहता यार इतनी खूबसूरत लड़की मेरी वाइफ बने। पता है बहुत टाइम बाद ना मैंने ना यहाँ पे खड़े खड़े ना सारे सपने देख लिए थे तुम्हें, मतलब लॉन्ग ड्राइव भी तय कर ली थी और सुखदेव के पराठे चाय वाय सब देख ली थी कि मैंने कहा यहाँ से और मनाली तक जितने भी डेस्टिनेशन पड़ेंगे ना हर जगह तुम्हारे साथ घूमना है मुझे। एक बात बताओ, बात क्यों कर रही थी पहले, नहीं बता सकती थी ये सब मुझे? तो तुमने मुझे बोलने का दिया, मैं तो बता रही थी कि हाँ मैं नहीं हूँ, नहीं तुमने माना। भगवान ने ना मेरे साथ बहुत नाइंसाफी, नहीं ये भगवान ने बहुत नाइंसाफी करता है यार मेरे साथ में। अब क्या, कोई सिस्टर नहीं है? नहीं, जुड़वा सिंगल पीस यार। आप पीस नहीं हो, आप एक ऐसी नाचीज हो ना कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं
इस बारे में ना भगवान से बात करूंगा कि उसने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई कि जिसको देख के मैंने सारे सपने बुन लिए और वो ऐसे तोड़ दिए और ऊपर से तुमने ये दिखा दिया यार। दिस इज नॉट गुड, बहुत बुरी बात होती है। आपको ना एक बार दिखाना, दोबारा दिखाऊं? ओके, मजाक तो नहीं कर रहे ना कि मुझे यहाँ से टरकाने के लिए कभी कर रही हो? देख लो यार, प्लीज यार बता दो। देखो नहीं यार, आप तो सच में दिख रहा है यार। बस बस, सॉरी, आई एम एंगेज्ड। दिल तोड़ दिया आपने। आपने नहीं, मतलब देखो मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता आपका, लेकिन ना मेरी मम्मी ने ये जो भेजा है ना, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब ना मेरा वादा है, आप जैसी ही ढूंढ के लाऊंगा मैं अपने लिए ना, जिससे मुझे शादी मिलेगी। यू आर द ओनली वन। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कोई नहीं, वेल कंग्रेचुलेशन। जब आपकी शादी हो मुझे जरूर बुलाना, और आपका प्यार हमेशा बना रहे। और क्या बोलूं, और वी आर डूइंग अ सोशल। नहीं यार, मैं क्या कर रहा था, मैं तो खुद ही बोल गया हूँ। एक्चुअली आई वो नर्वस कर दिया यार तुमने मुझे। एक्चुअली आई एम डूइंग अ प्रैंक। माय नेम इज यश चौधरी, सो माय कैमरा इज ओवर देयर। सीरियसली, बट अच्छा है ना यार। देखो ऐसी लड़कियां कम होती है ना जिन ऐसे एक्सेप्ट कर लेनी, तो ज्यादा लड़कियां नहीं करती हैं। तो यार दुआएं दो, इनका साथ बना रहे भाई के साथ में, और हमेशा ऐसे ही ये स्माइल जो उनकी वजह से इनके फेस पे ऐसे ही रहे। बट सच में यार ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो एकदम से बता देती हैं कि ये रहा देखो यार। लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं आना है अपलोड? नहीं, पक्का ना? हाँ, देखो लोग भी आपको विशेस दे देंगे बहुत सारी, शादी में बुला लेना। और कोई आपके जैसे मिले तो प्लीज मुझे बता देना यार, दिल तोड़ दिया आपने। अच्छा ऐसे तो कर दो, ऑल द बेस्ट, मैं खुश हो जाऊँ। क्या पता यार, इनकी पॉजिटिव वाइब्स से मुझे कोई मिल जाए इनके जैसे। नहीं, मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। पक्का ना? नाइस, मतलब नेचर बहुत अच्छा है इनका, तो मिल जाएगी। अच्छा इसीलिए बात कर रही थी, नेचर की वजह से? अगर मेरे से कोई रूडली बात करे तो मैं जाके थप्पड़ मारती हूँ उसे। बट कोई बात नहीं, सच में दिल तोड़ दिया यार, ऐसे क्यों होता है। कोई नहीं गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी ढेर सारी विशेज आप इन्हें दे सकते हो, ऐसी लड़की हर किसी की जिंदगी में आए। मेरी में जल्दी आ जाए प्लीज यार, दुआ कीजिए। तो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।